अरे ओ सियाली बाबू, ये जूता तो जरा संभाल के रख, पैड़ी गांव के सियाली बहुत तेज छन। क्या कहना है? देख दो ही बात होली, या तो जूता चुरा ली या नहीं चुरा ली, और नहीं चुराने का तो कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर चुरा ली तब फिर तो ही बात होली, या तो पैसा मांग ली या नहीं मांग ली, और पैसा तो हमारे देन नहीं, लेकिन तब फिर तो ही बात होली, या तो बोलत है नंगा खोटा जान पड़ल या उधार की चप्पल में जान पड़ल। इलाही में बोलू छो की इन नौबत की लान देन, संभाल के रखी जूता। भाई जी संभाल के रख, ये न होगा कि शायद चक्कर में तो जूता गवा दे, हमारी इज्जत को सवाल छ। अच्छा प्यार भी इज्जत तो एक काम कर, ये तो तू ही संभाल, मैं फालतू नहीं चाह, मैं बहुत काम छ। ए दिखान ने छ, ओए हाय हाय दिखान तू छ, तभी तो तक रह छ जीजा। ए मैं तो जीजा नहीं बोल, तो क्या बोल जीजा, इतना बोझ के लिए उठे छे, बोला तो मी मदद कह दियो। अरे अरे अरे, अरे, अरे। क्या बोले छे मैं, संभाल के रख जरा, अबे क्या स्कूल में पढ़ाई करी थी, रहने दिया जी, हम अपनो बोझ खुद उठा सकता, और बोला तो आपको बोझ भी। ओए होए होए, पहले अपनो सेंस तो देख लिया, फेंगने आ जीजा। संभाल के रख जरा, इज्जत को संभाल छे। ओए होए होए, रक्षा एगे तू, पर पहले यन तो बताओ कि तू बराती छे कि घराती। जब बरातो ना तो बराती छे, अगर पर गांव में आ गयो तो घराती छे। अच्छा यन तो बताओ कि ऊ नानू कुछ, ऊ सैरी नानू को, अरे एक ही पिच ऊ जे का हाथ मा जूता के फैल छे। अच्छा ऊ तो बेला चिट्टू भाई छे, बिल्ली बेटी आया छे, ऊ कोई चाचा ताऊ मत है। अच्छा तू तो वे गांव में रहंदी, तुझे तो जान दूल, एक काम कर तू वैसे जूता मांग ले, तुझे तो दे ही दिया लू मीठी किला दियाल। मैं नहीं जानत के मैं जूता मांगने को, तू तो चढ़े तू आप ही मांग ले। सोना वाला आप ना बहुत सुंदर लग दी। अच्छा ओए होए होए थैंक यू। अच्छा आपका कुकी था मी तेरे को और मैं पौड़ी को, बल्कि मैं तो इन विश्वास कर दूं कि गढ़वाल में एक कौन चांद। अच्छा कि नहीं हम तेरी और पौड़ी ते एक कर दिया कंखे जो करी के। ओए होए होए ओए होए, अब हुकम सिंह तिल भी आप पाले के लिए करी। मम्मा ये कैसी शादी है, या कोई वरमाला नहीं होगी? बेटा ये करवाल एक वरमाला नहीं होगी। क्या बिना वरमाले की शादी? चुप कर। अच्छा वो सब छोड़ो, वो बताओ उसको क्या बोलते हैं, हाँ ब्योली कहाँ पे है? किले ही अभी गोत्राचार मैंने देखते ल कक्षे में टाइम पर तो रखी बैठी होली गणेश कमरा में। अभी भी राजेश बेटा अब तो फिर फिर सुबह वाला तू आराम कर ले, और तुम बेटा तू भी आराम कर ले। ठीक अच्छा है भेजी, अरे मैं चल चुका जाना चन, ये मेरे पास छे देख मैं फिर जाने दूँगी। ओए हाय हाय जीजा जाने का छे जरा बैठ तो ये ये तो अलग ही ना। ए जीजा ने बोल मैं तो बार बार जीजा न्यार भी हो थोड़ी छे। ओए हाय 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 अगर नीचे तो वे जाल हम बटन एक थे पसंद कर ले। भेजी लाइन मने जो समाएक तू चिंता नहीं कर इज्जत को सवाल छे। अच्छा जीजा जरा एक पहेली तो बुझे दिया, सफेद बकरी पानी पीना जानी और लाल बकरी पानी पे के आनी, मतलब क्या छे? सफेद बकरी पानी पीना जानी, हां हां और लाल बकरी पानी पे के आनी। क्या वे अंग्रेजी दगड़ कुछ गड़वाली भी सीख लीम जीजा। ए भाजी तू यक बैठी वो की इज्जत जानी। अरे क्या हुए, सफेद बकरी पानी पीना जानी और लाल बकरी पानी पी जानी, यंग क्या मतलब है? अबे कैन पूछी सियालिन, अबे पूरी देख, जब कढ़ाई में जान दी तो सफेद होंदी, जब तेल पी के वापस भैर आंदी तो लाल होंदी, समझे? हाँ अरे जीजा पूरी चल दूसर पहेली बुझे दिया।
बण जांदा घर मुख और घर आंदा बण मुख क्या वे भेजी सुना बण क्या होंदो जंगल 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 हाँ बण जांदा घर मुख और घर आंदा बण मुख अबे कुलाड़ू हाँ क्या वे जीजा अरे जीजा कुल्हाड़ी चल छोड़ तीसर पहली बुझे दिया गैर उबर बाघ घूरनु बथे क्या समझियो बाघ टाइगर ओए होए होए जीजा अबे पर्रिया जमा छा छोलिन पर यू दिल्ली वालों थे पर्रिया क्या मालूम अरे जैमा छा छुलदन चला चौथी पहली बुझे दिया छोटू सुरामदास और झुंगा पचास बुझे क्या हाँ गढ़वाली तो मात भाषा ची छोटू सुरामदास झुंगा पचास अबे प्याज ठीक अबे अब क्या च भूल गए लगलो च अम्मी तो मैदान में जानो पड़ लो चल हाँ एक जब भी गड़बड़ लेनी आदि थे सॉरी बाबा हार गयो कोई बात नहीं अम्मी माँ आखिरी पहली बुझे दिया ओए होए 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 क्या बात च शहरी बाबू तो ये खुली समझी के परेशान करना छ अरे वे थे क्या पहली पूछना छ पहली मेरी पहली का जवाब दिया पूछा पूछा छोटी छोरी को लंबू फूंदा छोटी छोरी को लंबू फूंदा हाँ बताओ 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 छोटी छोरी को लंबू फूंदा नहीं मालूम चिओड़ धागा काली छोरी को देखा वाला काली छोरी नहीं मालूम कढ़ाई अच्छा काली भांडी कालू भात काली भांडी कालू भात नहीं मालूम गबर और छोटी से कसर बल चारों तरफ पसर पतली कमर चारों नहीं मालूम लैंप लैंप ओए होए 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 ओए होए होए दिक्कत होने वाली गांव का बोमा ढंग से इंतजाम नहीं हो सकू छोटी जगह रहेंगी ना इंतजाम करने मुश्किल हो जाता ये वास्ता मैं आपको ऊपर घर में बिस्तर लगे हुए चलो मुझे तो थे आप संभाल लिया बहुत सवेरे आप मेरे दे दें मैं भी तो ये गाँव की छा मैं भी तो जित चिड़ा सकत कोई बात नहीं मैं जान छू सुना कन्या चढ़ू आरी
हाजी साहब जी, कब छंजूता उड़ाए दिन मैं यार, वो तो मैंने सामान खुना दिया छन कहते रक्षा है। अबे यार रक्षा है, अबे तुम दिल्ली वाला भी एक काम ठीक से नहीं कर सकता। अरे पुंगड़ा की पहरेदारी वो भी गोड़ी ते मतलब, अरे मतलब यू कि रक्षा ये गांव की अब नहीं मिलता जूता गया जूता। अबे यार कगबटी करी तिल पढ़ाई है लंदन बटी इलाइमेंट बोल छाए कि लंदन के बजाय यकी पढ़ाई कर दा। अब जाओ और ब्योला खोने चप्पलो जुगाड़ कर। सुनो आप कमाने अबे यार अब इसका क्या करूं गरी? पर व्योली नी आए हाथ राम कसम व्योली नी आए हाथ पर व्योली नी आए हाथ राम कसम व्योली नी आए हाथ सुन ननी ननी नी नाने पड़ी वलका की दारू पेगी व्योली नी आए दूजू तो थेरे पका और हुकुम तो दे दिया और भी तो बोली कि अपन इंजत खुद से माल ठीक छे पर व्योली नी आए हाथ राम कसम व्योली जूता चुराने का जद कभी पैसा मिलना ना आधा मेरो आधा तुम्हारो ठिंगिया चीजा कदका मंजल वो बोलो का दिल्ली वाले बोलो चना हाँ 10,000 तक दे सकते क्या बात करना चन लखपति ची लखपति लखपति नहीं करोड़ अरबपति ची क्या बात करना चन ठीक ची तो सादा पक्का पर 70-30 हाँ 70 मेरू 30 तुम्हारू 70 हमार 30 तुम्हार ठीक ची तब कबड़ी
समा सकती तू। अब पैसे के तेरे बुबा दे लू, पता नहीं कद का पैसे मंगली वा। पूरा 11,000, एक भी पैसा कम नहीं चाहे दू। क्यों? एक भी रुपए नहीं देनी होते, चीटिंग छनी, चोर छनी। ओए होए होए ठेंगड़िया जीजा, मैं तो सोचू छा कि तू बस 4 फुटे के छे, पर आज पता चल कि तू जिद का जमीन के ऐंच छे, उद गई जमीन का तौल भी छे। देख जीजा, 11,000 रुपए से कम मा काम नहीं चलू। किलाई हमारो पैसों क्या हराम कुछ? ओए होए होए हराम है कितनी छे, पर यू पैसा मा हम सभी का अलावा एक हरामे को हिस्सा बिच। क्यों ठिंगड़िया जीजा? ये तो पैसा तो नहीं चाहिए भाई, पर अगर 500-1 रुपए काम चल सके तो बताओ। ओए होए होए कंजूस जीजा, चल प्यार कंजूसी खुणे 1,000 रुपए डिस्काउंट, 10,000 मा। क्या 10,000? भाजी तू एक काम कर, मेरा जूता पहन ले। बच्चो देखा खोटा में तेरा जूता वाला, अबे देखा खोटा में मेरा जूता नहीं वाला, नहीं तो मैं अपना जूता नहीं दे दू। देखो जी गलत पाँच, थोड़ा और डिस्काउंट। 8,000। 1,100। चला 6,000। चलो 1,500। ना तुम्हारी ना हमारी, 2,500 फाइनल। 2,500 मत जूता के देकर तेन भी जानते सौदा पक्कू। ओए छोटा पैकेट बड़ा मसाला। अरे पहले मेरे साइज मत एजर रे। अरे तो क्या हुआ यार, बैठ तो तेरे साथ जा कुछ वेगा दगड़ चल। अबे चाचा हाँ घर पे सब तो। अरे चाची आप रहने दिया नाना। अरे चाची आप रहने दिया मुझे ना। अरे सुनो एक ही बात ची, आपन सबसे पहले 11,000 मांगी छे। 11,000? अरे क्या हुआ रे, क्या ये कम छन है? अरे मैं सोचू छो मैंने पहले 1,00,000 के लिए नहीं मांगी, आज भी मिल जाना। सो भगवान की कृपा से ब्याह सुख शांति निपटी गया, और मैं सोचो छो कि दोबारा तैयारी जाए कि शिव चरण जी से मिली का जो ब्याह मंगवा निशा का, और सोच कि बहुत बीमार चलना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोला, जरूर जान चैन। बीच में मैं सोच आई कि गढ़ल साहित्य का बहुत बड़ा साहित्यकार छे शिव चरण जी। हाँ बोला, अरविंद आज तक कुछ कमा भी नहीं, पूरी जिंदगी गढ़ल भाषा का परदेशियों में लगाए थे, बहुत गरीब मत दिन कर। अब देखना वी की बेटी तक साहब फूप हो गया पले नीच, और भला जाने लगी छे तो थोड़ा बहुत ही मदद कर दी। उन तो बड़ो स्वाभि माने आदमी च, पर हो सकत क्या पता त्यार दगड़ो पल को ख्याल कर दिया। जी नमस्कार। पाचड़ू छो दक्षिण गाँव को परमेंद्र जी को चचे जी के नाम, हम एक ही स्कूल में तो पढ़ना चाहे। अरे धीरू कख बेटा है रे तू बैठ। इना बैठ ठीक से याकम। तो दिल रहे हैं ना? हाँ परवा भैजी नौना ब्याह में आया चाहिए, ब्याह में तो तुम आए नहीं छो, मैं सोचे तुम फिर मिली का जो, पर क्या बात छो तबियत ठीक नहीं छो? जीवन क्षण भंगुर छो, अब तो चिता में मुक्ति मिले। इतका भी ज्यादा उम्र थोड़ा छो तुम्हारी, मैं से 3-4 दर्ज एथरी तो पढ़ना चाहे। घर छोड़ो मन सुन कि तो बल बड़ो आदमी मर गए, बहुत पैसा कमाए इन दिन। पैसा कमाने से आदमी बहु आदमी नहीं बनो, तो मन तो सिर्फ अपने परिवार अकड़े कमाए।
आपंत पूरी जिंदगी गड़ल भाषण खने अर्पित कर दे। मैं कत का भी पैसा कमा लूं, लेकिन आपा समण हमेशा छोटू रहे। ये सब पुनी बतन से बोला कुछ नहीं कहा कुछ आप मतलब आप अलकड़ल भाषा को काम कर ये वास्ता आप ये गरीबी का दिन देखना चाहिए ना आप पर गरीबी दुख नहीं चाहिए दुख तो ही बात आ कीट का खाना के बाद भी मैं अपने गड़ल भाषा तेने बचा सकूं जो मैंने सोच जाए कि गड़ल भाषा में लेकिन मैं गड़ल जन जन तक समझो कि हमारी मातृभाषा जो हरी तो पगड़ हरी तो समझड़ या हमारे जिम्मे भर जो अगर जिन्ना कौन होते तो समझाने जरूरत नहीं पड़ जाए लिखूं जो कि मैं किले लिखूं जो और क्यों लिखूं जो लोग गड़ा बनने चाहते तो पान तो रहता हूँ खैर आज कारण कोई भी नहीं चे रक्षा गोम आज ही चे और उन माँ का सुकून मैं तो ते चाह तक भी नहीं पिला सकूँ। अंकल नमस्ते। नमस्ते नमस्ते खूब चे बेटा आप कब रे आया बस अभी आऊँ जो बेटा आ गया था दर चाह बना दे जल्दी है ना ना चाह ना बना इन कह रही थी शेखा खड़ी काट दी थी बहुत टाइम हो गया घर का किड़ खाया बड़ी प्यारी बच्ची जो बहुत सेवा कर रही है हमारी अरे बेटा तू तो बारात में आया बारात तक कह दिन वापस चल गया है और तू अभी यह की बैठी जाए फूफू यक जाना इरादा नहीं है क्या बोला लू ले अंकल जी अरे बेटा आप और पिताई थे भी देते ना उन तक खाई सच्ची आप अलगड़ल भाषा में इतका काव्य संग्रह नाटक और उपन्यास लिखी फिर भी आप थे इन लगत कि हमारी भाषा नहीं बचल मैं लिखण से क्यों जब तक गड़ल लोग हमारी भाषा पर गर्व निकाल तब तक कोई आशा नहीं शिवचरण भैजी जान से पहले एक बात बोलना चाहूं चाहे आप अन्यथा ना लिया मैं तो आपको आर्थिक मदद करो एक मौका दे दियो आज तक मान कुछ नहीं लिया तो आप क्या लेना क्या मैं ये बच्चे तक कुछ नहीं दे सकूं कम से कम ये थे तो देन दियावा सिर्फ आशीर्वाद दे सकता आप अक छोटू बोले चाहो कम से कम आप इलाज कराना अधिकार तो दे दो एक बार मैं हरदगढ़ दिल्ली चल लो वो एक बार ठीक ठाक हुए घर आ जाए घाम च लड़े चो दिन दूर भी जाओ अरे चाचा प्रणाम अरे प्रणाम चल बैठ बैठ अरे चाचा मैं सुन तुम प्रधान खुन खड़े होना पर भाई ये सब तुम छुआ रुखी सार हो सकत अगर तुम्हार सपोर्ट नहीं मिला लो तो चुनाव कन के जीतन के लिए निकलना सपोर्ट है आखिर काम तो तुम आओ हमारे शाबाश अरे रक्षा अरे बेटा जरा दुई चात बड़ा एक भेज और सुन गो में सब छुआरू थे बोल दे एक दा प्रधान बन जुलू नमी तो समझा रोज दावत ही दावत वो तो छह इंच अरे परमा बुढ़िया च 10 साल हुए प्रधान बने लेकिन आज तक एक बार भी नहीं पिलाए और यब तक की चाह तक भी नहीं पिलाए चाचा चाय नहीं आया अभी तक अरे रक्षा हाँ अरे रक्षा कक्ष है तू आई कक्ष तेर क्या अरे रक्षा नीचे मिलानू छु अभी चे अरे मैं बोल दू कि प्रधान वो हूं जो गो का नौजवान ख्याल रख अरे हम भी तो कभी तुम्हारी उम्र का छाई पर चाचा एक बात जरा होशियार रही जो दिल्ली बड़ी नहीं आयो यूकू भाई
बहुत पैसा वाले च काके इन्ना हुए कि इलेक्शन ही पलट दिया। अरे नहीं यार, वो तो राजेश भी उखड़ा ही उठ। अरे सुन, पीण पाणक जीव बोल ना, शाम भगत घर है जे ब्यावी कैंटीन बटे मंगाई छ। अरे वाह जय हो चाचा। अरे तुम की ले बच्चों से बिगड़ना छो, दारू बटन के भले बात छ। अरे तू चुप कर, तो इथे मेरी बात के लिए भले लगनी, तो इथे तो वे प्रधान की घर बात सब बड़ी अलग दिन, तब इत 24 घंटा रक्षा थे वह काम करना खुन भेजने रहन। तो क्या है तब भगत को भगत वो भी तो काम आती हमारा। अरे बियो का छ जरा हमारी मदद कह रहे थे क्यों आई। अरे अब हो गया ना बियो, अब क्या सदन मिल वकी रहे ना। देख यार राजनीति चो, अरे राजनीति की बात तेरी समझ में नहीं आनी। ये दी कोड़ी का प्रधानी का वास्ता गांव में क्या नहीं होनु छ। अरे मैं बोलू म्यार मन ये झगड़ में पुनो नहीं छ यार। तो छोड़ दे ला, जैसे कि वो सुल्तान गांव वालों जीवन हराम कर दो, उनमें तुम लोगों की इच्छा से प्रधान बना छो, ये चुनाव तो तुमसे लड़नी पड़। और भैजी वन यू नाको को सवाल छ, वो सुल्तान गांव को प्रधान नहीं बन चाहू। अरे चाहे कुछ भी हो जाओ साला। आराम से बोल देवा, आराम से बोल। अरे बगल में रहन दो, कखे वो सुनया ना तो बगैर बातों के लिए क्या मैं डरते तुम्हें से। सुन ले तो सुन ले। दूर जी है कि दूर जी, जी दिल्ली वाला। अरे धीरे धीरे, अरे बड़ा बड़ा धीरे धीरे शीला पर नजर। अरे हाँ अगला सेट बस चल 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 बस। दूर जी तुम बैठा, हाँ मैं तुम घर चालान, तुम ही मेरा। ओहो आगे बोला, बैठ 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 जा। और कन्या बटाऊ से घूम गामी बस भेजी ने तेले खोल गया छे। पर भैजी बाट मान देखो छो कि पांच सात छोरा शराब पीना छे, अरु म कुछ छोटा बच्चा भी छे। सुन तो छे छा मिले, पर यकीन नहीं है कि पहाड़ में शराब इतना जरूरी हुई गया। अब क्या कर भुला, गांव का ये हाल हुआ छिन। पर भैजी अभी वक्त ही क्या है, अंदर होने से पहले ही भैजी ने तो बच्चों तो गांव में लिया चाहिए, क्यों तो यह संस्कृति या सभ्यता से गौर। पर वो सब दाखला तो मेरे तो हजार प्रधान जी मैं जानो छो। अच्छा मैं भी जानो छो। अबे तू कख जानो छे, तार तो घर ही रख। अब सच्ची बोला ती में क्या छुपान, अभी थोड़ी देर पहले हम तीन भीतर बैठी पीना छाए और उन हम लिमिट में लेना, पर आजकल का बच्चा तो अब क्या बोला। सच बात थी आज भला कि हर समाज में अच्छे भूमि तो बुरे भूमि, पर ये पहाड़ मा सबसे बुरा ही च। और हाथी तो कहो ये कि लोग तेरे वर्ष में भी पीना चाहिए। दूर बड़े खास लादी, बस थोड़ी दूर, ढाई तीन किलोमीटर। ढाई तीन किलोमीटर और थोड़ी दूर, तो ज्यादा दूर क्या होगा। एक बात पूछो, एमए क्यों से तैयार हो, फिर भी इतना दूर बड़ी खास लेके आती। दिक्कत तो यह अच्छी कि मेरी गाड़ी तो नहीं पता कि मैं एमए कर रही हूं। नाइस, बात तो ठीक है, पर मैं मतलब तैयार करियर से चल छो। भुला आज हम तुम नाथ मंदिर जाओ, बेखुन पहुंच जाऊंगा और भूत फजल लेके पूजा पाठ करके वापिस आ जाऊंगा, तुम चले ना। हाँ हाँ जरूर। कख लग बटे 60-70 किलोमीटर दूर तुंगनाथ जी को मंदिर चा, हम लोग हर शुभ कार्य के बाद वक्त जरूर जंदो, और उन भी राजेश बात हम लोग वक्त जाने चो। हाँ हाँ जरूर चला, मैं भी तो चलना तो नहीं पड़ेगा ना। सिर्फ 4-5 किलोमीटर च बस। 4-5 किलोमीटर मम्मा। कोई बात नहीं बेटा, हम सब जोला, दीदी हम सब के साथ जोला। हाँ हाँ ठीक तरुण,
हम तुम नाथ मंदिर जाना छो आज तीन भी चल ना ना माँ यार खुट में छाला पड़े छो मैं नहीं जान पर बेटा तू ये खुलिकन के रैली ई बात नहीं रह लालू जवान नौन छे पर खानो गेरा कोई बात नहीं मी रक्षकों ने बोल देल मी भी थे अभी अरे बहुत तू रहने दे दी तरुण बेटा अरे तू ही रक्षक है बुला दे दी घरम कोई नीचे फुपाजी फुपूजी मला खोला गया छे मैं तुम्हें मिलन आयो छो लखन को तुम की गरीबी अभिशाप होंदे पर मी खुने तो मेरे अमीरी ही अभिशाप बन गए पसीना मत्तर होकर घास काट दी एक कुटन भरा माहौल में मोर निकल दी यही वो सुख मिलता तुम थे क्या यहाँ कोई पड़ी छे तू तुम बोल छे कि हमारे पास इतका पैसा नहीं कि हम तो ते खरीद सके पर फिर भी मैं तो ते खरीदन चाहता पर पैसों से ना प्यार से तेरा जवाब को इंतजार कर लू ताई जी ने तुझे बुलाया छे चार फूबूजी और फूबाजी को खाओ उनकुन बने थे नीचे बाद हम खेल यार क्या बोल रहा कभी कभी मान बना दी मुझे बहुत पसंद जैसे ना
सिपाही मैन वनी ना पितोली की साचा मा ढली मन का ख्याल मछई जनी सुना मा देखी छई जनी सदिस पाई मैन वनी ना पितोली की साचा मा ढली मन का ख्याल मछई जनी राजुली सी बांध छई तू सरुली कुमैण मेरी राजुली सी बांध छई तू सरुली कुमैण मेरी सुन रे दगड़िया बात सुनी जा बात सुनी जा मेरी कथिक त्यारू मा कभी नहीं आंदी सेना बाजारू मा छोड़ के अपना बिराना आज तेरा नौ की रट लिया ली दिन का राजू मा कथिक त्यारू मा कभी नहीं आंदी सेना बाजारू मा छोड़ के अपना बिराना आज तेरा नौ की रट लिया ली जीव जान तेरी जिकुड़ी मना तेरू गोदी
भोल सवेर हम लोग दिल्ली जाना छन। आखिरी बार तुम्हारी मर्जी जान छा तो। मेरा पिताजी ने मुझे सिखाई कि हमारी इच्छा हमारी ख्वाहिश सब कुछ नहीं होगी। अगर तुम इतने नहीं मिली ना रक्षा तो जाने में ही क्या खेर दियो लो। अगर ईदगा चांदो में थे तो एक ऐसा अनकल हमें पर बोल पहली वचन दिया ना रक्षा तो जाने क्या मांग ले ली। मैं वही मांग लू जो हम दुयों को ठीक रहा जितनी कहे रक्षा तुम एक वचन भी नहीं दे सकता मित्र। ठीक छ बोल क्या चांदी तू मिथे भूल जाओ। अच्छा यूं नहीं हो सकता रक्षा यूं नहीं हो सकता। यू एहसान कर दिया मेरे पर मैं कह नहीं सकता। तू मन वचन दी छो मैं नहीं बह नहीं सकता। मैं विनती करनु छो मैं सुन नहीं सकता। मैं प्रार्थना करनु छो मैं मान नहीं सकता। मैं कसम देनु छो मैं ले नहीं सकता। भिक्षा मांगू छा मी दे नहीं सकतो।
माना न हम फिर भी प्यार हमारो निवेशक दो तुम आज बेबस करूं ये जमाना न हम फिर भी प्यार हमारो निवेशक दो कम थोड़ा धीरज धर मन ते मजबूत कर बोल ए जाली पुन्यो तिरा मेरी काट्या निकाटे दीरा काटे दीरा के घोड़ो तुम यख। अरे तुम क्या समझ दो कि तुम्हारी रूणी धूणी और हाथ जोड़े से मिमांजुल। अरे मेरी बेली माँ ये नाक भी रगड़ा लो तै भी मिथे ये रिश्ता मंजूर नीच मिल तो सुनियाल पर शायद तुमने सुन वह तो तुम ते पिता मानिक तुम्हार खुशी खिलाफ जानो खुने तैयार नीच पर अगर तुम वहीं ते बेटी बंदो तो आप और स्वार्थ खुने कभी भी वहीं का खुशी नहीं छिंदा मिनी चांदो कि तुम ये गो बटे कुछ भी सीख जावा कि तुम थे यक दोबारा आने सोचन पड़ तुम्हार बुआ 35 साल बाद यक वापिस आए मिनी चांदो कि तुम थे भी यक लौटन में 35 साल लग जाए ये तुम्हार गौच अपन घर च मी चांदो कि तुम यक हर साल आना रहो।